गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज संडे है और आज सुबह सुबह उठ गई और उसी ने हम लोगों को भी जगाया। मम्मी उठो, पापा उठो, जल्दी उठो, उस वाले रूम में जाना है, मुझे अपनी अलमारी ठीक करना है। आदा क्या सपने में देख रही थी कि अलमारी ठीक करनी है अपनी? आदा दो चीजें देख रही थी, मैं अलमारी भी करूं, टब में रहना है। तो आज आद्या ने अपनी अलमारी से ये कपड़े सारे निकाले हैं, गुत्ते लगा रही हूँ। अभी एक लेयर और बाकी है। अच्छा अभी कर लो, देखो इतने सारे तय हो गए, थोड़े से बच्चे वो भी कर लो। ठीक है, तो आद्या आज अपनी अलमारी ठीक कर रही है और मैं वॉशिंग मशीन में पानी भर रही हूँ, मुझे धुलने हैं कपड़े। और आज मैंने गद्दे भी बाहर धूप लगाए हैं, लगाने के लिए खड़े कर दिए हैं। अभी टाइम जो हो रहा है वो 7:30 बज रहे हैं और इस टाइम भी धूप आ जाती है। कल से स्कूल जाना है तब ये जल्दी नहीं उठेगी। अब 3 दिन की छुट्टियां मिल गई, मतलब फ्राइडे सैटरडे और संडे, तो ये रोज़ जल्दी उठ जाती है। यहाँ पे मैं पानी भर रही हूँ वॉशिंग मशीन में, तो बस कपड़े धुलेंगे। मैं बाहर दिखाती हूँ, मैंने गद्दे डाल रखे हैं। कल मैंने ये मैट्रेस प्रोटेक्टर रात में धुल दिए थे ताकि सूख जाए। ये देखिए है ना, एक गद्दा वहाँ डाला है मैंने, एक गद्दा ये डाला है, तो दो गद्दे डाले। देखो 7:30 बजे इतनी धूप हो जाती है। और ये रहा मेरा दच्छू जो कि रो रहा है अभी पापा के लिए। पापा कहाँ गए बाबू? कूड़ा डालने गए हैं, कूड़ा डालने गए। इधर दिखाओ, इधर दिखो। अच्छा आप सबको नमस्ते कर दो। अरे अच्छा राधे राधे कर दो, जय कर दो। अभी मन नहीं है, प्रणाम कर लो। अच्छा अच्छा दच्छू यू हैप्पी? अभी हैप्पी भी नहीं है। अच्छा उठो, अच्छा उठो उठो, सबको दिखा दो कैसा है मेरा बच्चू। नहीं दिखाएगा अभी, और भी अभी कुछ नहीं करेगा वो। गाइज तो बस अभी मैं नहा कर तैयार हो गई हूँ, मतलब ये आज मैंने ये वाला नाइट सूट पहना है नया निकाल कर। क्या होगा, रखे रखे मैं उसे पहन लेती हूँ, कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, रखे बहुत टाइम से रखा हुआ था तो मैं उसे निकाल लेती हूँ अब। ये इधर वॉशिंग मशीन में कपड़ा एक राउंड हो गया है और दूसरा राउंड चल रहा है। गद्दे बहुत ज़्यादा सूख गए धूप में, मैंने लगाए थे बहुत गर्म हो गया तो मैंने उनको अंदर कर लिया है। अभी मुझे बेडरूम भी ठीक करना है, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। दक्ष और आदत दोनों नहा चुके हैं, दोनों आज टब पे बैठ के नहाए थे, उनको बड़ा मज़ा आया और बहुत खुश हो रहे थे। बस छुट्टी ख़त्म, कल से फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। हस्बैंड जी चाय नाश्ता करके चीज़ ब्रेड खाया था उन्होंने और वो चले गए हैं प्लॉट पे, और प्लॉट पे काम है जो हमारा घर का वो शुरू हो चुका है फिर से। और ऊपर वाली छत की जो दूसरे वाला फ्लोर है उसकी छत की ढलाई की तैयारी हो रही है। अभी टाइम लगेगा क्योंकि अभी तो काम शुरू हुआ है, और अगर मैं शाम तक गई तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और नीचे जो कमरे बने, नीचे जो बना हुआ है पोर्शन, उसमें छाप वगैरह होना शुरू हो चुकी है, तो अगर मैं आज शाम को गई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा। एंड अभी मैं जा रही हूँ चाय वगैरह पीने, भगवान जी को पूजा वूजा करके अभी मैं फ्री हुई हूँ, तो अब चाय नाश्ता करेंगे। ठीक है चलिए।
तो बस मैं आ गई थी कपड़े फैलाने बाहर। मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी सुबह से ही, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। हर 2 दिन, मतलब हर 2 दिन छोड़ के मैं कपड़े लगाती हूँ वॉशिंग मशीन में, तो मैं धुल लेती हूँ। काफ़ी हो जाते हैं, कुछ मेरे, कुछ आधा के पापा के, और बच्चों के तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बच्चों के हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे दिन में कभी भी 2 2 3 3 बार चेंज करते हैं और गंदे भी कर लेते हैं। आद्या की वाली ड्रेस काफ़ी लोगों ने पसंद की है, तो थैंक यू सो मच, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने आद्या के बर्थडे वाले ब्लॉग को। तो मैं कुछ कहना भी चाहती हूँ उस वाले ब्लॉग को लेकर, क्योंकि एक कमेंट आया था कि सस्ते में निपटा लिया आपने बर्थडे, कुछ अच्छा सा नहीं किया बेटी के जन्मदिन पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई ऐसा कमेंट करता है और मेरी स्थिति नहीं समझता है, मैं रोज़ डेली व्लॉग डालती हूँ, अपनी स्थितियाँ बताती हूँ, इससे मेरा घर बन रहा है, परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, और क्यों, कौन सी माँ है जो ये नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी का बर्थडे धूमधाम से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए। आध्या का पहला जन्मदिन बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया था मैंने, जैसे दक्ष का मनाया था होटल में जाकर पार्टी करी थी, ठीक वैसे ही आध्या का भी किया था, लेकिन अब नहीं है क्षमता। दोनों बच्चों का पहला जन्मदिन बहुत अच्छे से मैंने सेलिब्रेट कर दिया, और दोनों जन्मदिन के, आध्या और दक्ष दोनों के जन्मदिन पे ही मेरे ससुराल वालों में से कोई भी नहीं था, अकेले ही सब कुछ मैनेज किया, सब कुछ अकेले ही किया था। लेकिन आध्या और दक्ष का जन्मदिन बहुत बिग पार्टी में बहुत जल्दी करूँगी, जब घर वगैरह बन जाएगा। पता नहीं है कि कब कर पाएंगे, कौन सा बर्थडे कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए पैसा भी होना ज़रूरी रहता है, खर्चा भी बहुत हो जाता है। अभी हमारा घर बन रहा है तो सारा फोकस वहीं पे है। और साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगी, आप लोग आद्या को बहुत सारा प्यार देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई ऐसा कमेंट कर देता है तो ऐसा फील होता है जैसे कि मेरी बेटी तो है ही नहीं, मैंने तो उसे अनाथ आश्रम से लेकर आई हूँ और कंजूसी में उसको पाल रही हूँ, और मैं प्यार नहीं करती हूँ, मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। कुछ ऐसी फीलिंग्स ही देने लगते हो जब कोई कमेंट ऐसा करता है कि मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हूँ, उनको ये लगता है दक्ष को ही सारा प्यार मिल जाता है, बट ऐसा नहीं है। आप खुद अगर एक माँ है तो आप बहुत अच्छे से रिलेट करती होंगी, अगर आपका पहला बच्चा चाहे बेटी हो या बेटा हो, लेकिन पता नहीं क्यों बेटियों से ज़्यादा ही प्यार लाड़ होता ही है। हम कह नहीं सकते कि क्यों होता है, लेकिन बेटियों से कुछ ज़्यादा ही प्यार और लाड़ रहता है। मेरे साथ तो ऐसा ही है, अब आपके साथ क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन बस यही है कि आप बहुत प्यार करते हो मेरे बच्चों से, मुझे मेरे ब्लॉग्स को मेरे बच्चों के वजह से बहुत पसंद करते हो, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बट ऐसा कहेंगे ऐसा करेंगे थोड़ा सा हर्ट होता है, तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखें। कमेंट सेक्शन में जो आप लिख देते हो वो कमेंट सिर्फ और सिर्फ मैं ही नहीं रीड करती हूँ, इस पब्लिक प्लेस पे जितने भी लोग मेरे वीडियोज़ देखने आते हैं या फिर मेरी फैमिली देखती है तो वो भी वो सारे कमेंट रीड करती है। तो बस इतना ही कहूंगी कि अच्छा अच्छा लिखें, और बच्चे से रिलेटेड तो कुछ भी ना लिखें, एज ए मदर अगर आप हैं तो ये बात बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। खैर, बस मुझे आपसे ये बात करनी थी तो मैंने करी, बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे से की है, आप मेरी बात को समझेंगी और बुरा नहीं मानेंगी। यहाँ पे मैंने लौकी और तरोई की सब्जी बनाई है, लौकी कह रही हूँ, तरोई और भिंडी की सब्जी बनाई है मैंने, क्योंकि लौकी की सब्जी मैं बनाने वाली थी पर लौकी ख़राब निकल गई थी, जिसकी वजह से मैंने नहीं बनाई है, और यहाँ पे मैंने तरोई को और भिंडी छोंक दी है। आप लोग सोच रहे होंगे तरोई और भिंडी की क्या कॉम्बिनेशन है, बट अच्छा लगता है, ट्राई करना कभी। और साथ साथ एक चीज़ और, कल की वीडियो में एक कमेंट आया, प्रियू लिख दिया मुझे, मेरे नाइस वीडियो प्रियू, तो मैंने उनको बोला माय नेम इज़ प्रियंका पाटकर, तो उन्होंने बोला कि सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, मैंने शॉर्टकट में बोला था। देखिए, इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ कि आप मुझे प्रियू बुला रही हैं, मेरा नाम प्रियंका पाटकर है, प्रियंका नहीं जानती हैं या फिर आप मेरा नाम, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आप प्यार से मुझे जो भी बुलाती होंगी मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्यार में तो लोग जानना जाने कैसे कैसे अजीब व गरीब नाम रख लेते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। खैर, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, एंड मैंने उनको तुरंत रिप्लाई किया, ऐसा कुछ नहीं है, सॉरी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है, बट मुझे लगा थोड़ी सी गलत फहमी हो गई थी, अंडर थोड़ा सा लगेगा, बस थोड़ा सा, देखो तो दीदी का देखो अंगूठा काट दे। वगैरह खाने के बाद लोग दोपहर में सो गए थे, ये शाम की क्लिप है। आराध्या के पैर का जो नाखून है वो कहीं से कट के किनारे हो गया था, जिसकी वजह से उसको दर्द हो रहा था, तो मैं वही ठीक कर रही थी, इसको काटने की कोशिश कर रही थी, वो चिल्ला रही थी, और जैसे ही मैंने कैमरा लगाया तो दक्ष भी उधम करके आ रहा था बार बार सामने, तो फिर मैंने उसे हटाया एंड उसका नाखून है अच्छे से कट किया।
और आध्या की बुक सारी नई है, सारा सिलेबस नया है, उसको समझने में, स्कूल भी नया है तो सारी चीज़ें समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है अभी। हाँ, ये पहले पास के स्कूल में पढ़ने जाती थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ एक्टिविटीज़, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं कर पा रही थी पढ़ाई से लेट के, या फिर मतलब अच्छे से नहीं सब कुछ कर पा रही थी, उसको इतना सब कुछ नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब जब स्कूल में जा रही है तो उसको नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, तो वही सब चीज़ें मुझे बताती भी है, मैं भी उसे समझा जाती हूँ। ये थोड़ा सा मी टाइम हो जाता है हम लोगों का, जब कभी रात का डिनर नहीं बनाना होता है, कुछ चटपटा सब खाने का मन करता है, तो हम लोग लगा लेते हैं यहीं पे अपनी मस्ती भरी कुछ बातों के साथ में, गपशप करते हुए। तो यहाँ पे देखो, मैं कैमरा सेट की थी, थोड़ा सा मैं शूट कर रही थी। ये अदक से ना बहुत शरारत करता है, कैसे कैसे मुंह बनाकर आप लोगों को इंटरटेन कर रहा है, मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को बताना कमेंट करके। ये ऐसे ही करता है, बहुत ज़्यादा शरारत, कैमरे में वैसे घुस जाता है, अदरवाइज अब कहते रहो तो कभी नहीं आता है। आज ये सारी हरकतें कर लेगा कैमरे के सामने, मैं भी नहीं कुछ कहने वाली हूँ इसको, मैं सोच रही थी चलो कर लो जो तुम्हें करना है। रात के डिनर के लिए मैंने चने उबाले थे या दोपहर में ही, काले चने, तो मैंने सोचा आज यही सब खाएंगे। तो काले चने में खीरा, प्याज, हरी मिर्ची, धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के जो बेसिक मसाले होते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, नमक और आमचूर पाउडर, चाट मसाला और काला नमक, ये सारी चीज़ें डाल के, नींबू वगैरह डाल के मिक्स किया और अनार दाने डाले ऊपर से, तो हम लोगों ने यही खाया था। थोड़ा थोड़ा करके बैच बना के हस्बैंड जी तैयार कर रहे हैं, उसके बाद हम सब लोगों ने यही खाया। बहुत मज़ा आया इसको खा के, मतलब कभी कभी ऐसी चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं रॉ, एकदम मस्त, मज़ा आ गया खा करके, आप भी ट्राई करना। हे गाइस, तो हम लोग खा पी चुके हैं, सारे बर्तन भी मैंने धुल लिए हैं, देखो कितने सारे बर्तन। ये मैंने मलाई निकाल दी है और ये दूध है वो गर्म कर दिया है, दूध पूरा भगोना था, हल्का जो गुनगुना हो गया जब, तो मैंने इसमें निकाल लिया है इस कैजरोल में। इसमें एक चम्मच दही मैंने डाल दिया है, अभी एक चम्मच दही और डालना बाकी है, तो मैं एक चम्मच दही और डाल देती हूँ इसमें इस तरीके से। जैसा आप दही डालेंगे दूध में, गुनगुने दूध में जमाने के लिए, आपका दही वैसे ही जम के आएगा, मतलब जैसा आप थक्केदार जैसे दही जम डालेंगे वैसे ही आएगा। अगर दही आप पतला डालेंगे तो वो पतला पतला सा जमेगा तो वो अच्छा नहीं लगता है। अब क्या करेंगे, हम इसको ढक्कन से ढक देंगे। अब ये दही है ना 2 घंटे में जम जाएगा, 2 घंटे में, अगर मैं दिन में जमा रही होती तो 2 घंटे में जम जाता है, रात का टाइम है अब तो ये रात में जम ही जाएगा, तो फ्रिज में उठा कर रख देती ताकि ज़्यादा ठंडा ना हो। इसमें गोलगप्पे टंगे हुए हैं जो कि मुझे एक दिन उसका पानी वगैरह बना के खाने हैं, तो इसको मैंने जमाने के लिए रख दिया है। बाकी का अब सुबह देखेंगे जम जाएगा तो अभी फिर सुबह मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो दूध गर्म हो जाए बस ढक आध्या के लिए ले लूँ और अब जा रही हूँ सोने। तो बस इतना सा था आज का व्लॉग, दिन पता नहीं चलता है कब कितना टाइम निकल जाता है। अच्छा, मैं बहुत सोचती रहती हूँ कि अपना काम जल्दी कर लूँ, कुछ और भी काम होते हैं एक्स्ट्रा वो भी निकाल कर लूँ, एडिटिंग वगैरह कर लूँ, लेकिन दक्ष और आध्या की वजह से ना कोई काम पूरे नहीं हो पाते, इतना शरारत करते, इतना शोर मचाते हैं। आध्या जब स्कूल चली जाती है ना तो बीच में जो मुझे टाइम मिलता है तो उसमें मैं सुस्ती कर लूँ, तो उसमें दक्ष परेशान करता है, जब वो आ जाती है तब तो दोनों लोग परेशान करते हैं। तो बस ऐसे ही आजकल दिन निकल रहे हैं। अब ऐसे भी सच बताऊँ, ये दिन इतने ख़राब से लगते हैं मुझे, बोरियत लगती है किचन का काम करो या कोई भी काम करो, एडिटिंग तक करने में भी बहुत बोरियत लगती है मुझे, पता नहीं क्यों। ये जो मौसम होता है ना, ऐसा लगता है कहीं ऐसी जगह चले जाए जहाँ खूब सारी ठंडक हो
कोई काम ना करना पड़े, बना बनाया मिले, खाए पिए मस्त रहे। तो मायका बहुत याद आता है इस टाइम। तो अभी तो वह छुट्टियाँ इनकी नहीं हुई है, 21 तारीख के बाद ही होंगी, 21 को हो जाएंगी छुट्टियाँ, 21 मई को। तो हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं इस बार, घर बन रहा है हमारा इस वजह से। और इनको छोड़ के कैसे जाओ फिर, ये खाना अकेले बनाएंगे, इतने बड़े बड़े दिन होते हैं, बोर हो जाएंगे पूरा दिन। तो इसलिए मायके भी नहीं जा पा रही हूँ मैं। खैर जैसा भी है, कितना कुछ होता है ना लड़कियों के मन में, सबके मन में होता होगा। चलिए मैं ये बचा हुआ जो दही है इस फ्रिज में रख देती हूँ, मेरी फ्रिज। मुझे फ्रिज को भी डीप क्लीन करना है, हालांकि क्लीन है फिर भी अभी डीप क्लीन करना है। ये भी रख देती हूँ मलाई, बस दो तीन दिन और इसको मक्खन बनाएंगे फिर घी बनाएंगे, बस सारा काम हो गया। तो चलिए इस वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, आपसे मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।